पारिवारिक कलह से तंग आकर एक 25 वर्षीय युवक ने सलफास की गोली खा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मामला भागलपुर की बबरगंज थाना क्षेत्र की वारसलीगंज का है। मृतक के पिता ने कहा, कुछ दिनों से मेरा बेटा परेशान चल रहा था, पारिवारिक कलह चल रही थी जिसको लेकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं उनके परिजन ने यह भी कहा कि मैं किसी भी हालत में अपने बेटे का पोस्टमार्टम करने के पक्ष में नहीं हूं। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले ली है। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। मैं पवन कुमार चौधरी अमन का पिताजी हूँ। मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता हूँ। कोई मुझे किसी के ऊपर संदेह नहीं है। इनकी मृत्यु कैसे हुई है? सेलफॉक्स खाने से। ये सर्विस के कारण ये कुछ टेंशन में थे जिसके कारण। इसका इलाज कहीं चल रहा था क्या? इलाज नहीं, कल तो हॉस्पिटल में ले गए। कौन सा हॉस्पिटल ले गए? मृत्यु कहाँ हॉस्पिटल में हुई थी या घर आकर के हुई? हॉस्पिटल में। भाजपा भागलपुर इकाई की महिला मोर्चा द्वारा भाजपा के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन की शुरुआत की गई, जिसके बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर परिचय हुआ। इस दरमियान सभी महिला मोर्चा के अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें कार्य समिति की बैठक व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन पर विशेष चर्चा हुई, जिसको लेकर आज महिला प्रकोष्ठ की दर्जनों महिलाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर वार्ता की और कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता महाश्री मीना चौधरी के नेतृत्व में किया गया। कार्य समिति की बैठक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम रखेंगे। इसमें सम्मान समारोह, स्मार्ट वुमेन सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम होगा और हमारी प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता जी और उनकी महामंत्री प्रदेश महामंत्री मीना चौधरी रहेंगी और हम सभी को आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा की उनकी जानकारी होगी, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए उनका दिशा निर्देश। हम महिला मोर्चा मंडल की महिला मोर्चा सभी पदाधिकारीगण उनके दिशा निर्देश में हम लोग सभी आगे आएंगे और आगे का जो रणनीति होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। रक्त संबंधी बीमारियों एवं रक्त कैंसर की संभावनाएं वाले मरीजों का आज जीवन जागृति सोसाइटी और एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित निशुल्क जांच किया गया। कैंप में कोलकाता के हॉस्पिटल से डॉक्टर शिशिर पात्रा आए और 25 रोगियों की जांच किए। इनमें से बच्चों के रक्त संबंधी बीमारी जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया एवं कुछ कैंसर एवं रक्त कैंसर के मरीज शामिल थे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि यह पहला कैंप था और प्रत्येक माह हम लोग ऐसा मुफ्त कैंप लगाएंगे से जनमानस को फायदा हो। उन्होंने एबीसी हॉस्पिटल को सहयोग देने एवं स्थान के लिए व्यवस्था दिया, इसके लिए बधाई दी। जी को दिखाने आए थे, डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट भागलपुर में नहीं है, कलकत्ता से आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और नारायणा में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो मेरे पिताजी का एम्स से इलाज चलता है, हेमाटोलॉजी का उनका ब्लड का प्रॉब्लम है, तो इनको दिखाए थे, आए थे तो फिर इनको दिखाना हुआ। मेरा पैसा नहीं, नहीं नहीं पैसा निशुल्क है। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो यहाँ नहीं है वो उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा। एबीसी में जो शिविर है वो है ब्लड डिसऑर्डर और ब्लड कैंसर, रक्त संबंधी जो भी विकार है, जैसे किसी को लगातार खून का कमी हो रहा है, खून नहीं बढ़ रहा है, या उसको खून बनता है लेकिन टूट जा रहा है, जो कई बच्चों में जनजात विकार होता है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी एस्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया इत्यादि जो बीमारी है, और इसमें से एक मशहूर बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें यदि ब्लड यदि कहीं से कट गया चमड़ी या कुछ भी, तो यदि वो बीमारी है तो खून लगातार बहते रहता है। तो इन सब बीमारियों के बारे में और रक्त कैंसर संबंध में नारायणा कोलकाता से एबीसी हॉस्पिटल में चिकित्सक आए थे और उन्होंने आज करीब 15-20 मरीजों का आज जांच किया और उनको जो उचित एडवाइस है वो दिया। तो इस तरह की व्यवस्था भागलपुर में नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग बीच बीच में इसको बाहर से डॉक्टर बुला करके एबीसी में हम लोग इसका व्यवस्था दे रहा है ताकि लोगों को इलाज में मदद मिल सके। इसमें सहयोग जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा और एबीसी के द्वारा हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के द्वारा किया गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग प्रत्येक माह इसको इस तरह का मुफ्त कैंप, ये पूरी तरह से मुफ्त था और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक माह इस तरह का हम लोग कैंप आयोजित कर सकें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद होने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी बिहार के तिलका मांझी थे, जिन्होंने अंग्रेज शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और तिलका मांझी को जेल में डालने के बाद भागलपुर जिला के तिलका मांझी चौक पर बट वृक्ष के पेड़ में लटकाकर फांसी चढ़ा दी गई। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लंबी लड़ाई छेड़ी। संथालों के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी तिलका मांझी ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज उनका जन्मदिन है, इसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनकी पूजा की और शहर भव्य शोभा यात्रा निकाली। साथ ही तिलका मांझी आदिवासी समुदाय के लोगों ने आदिवासी नृत्य संगीत पर जमकर झूमे। क्रम है और क्या करें, आज हमारे यहाँ भागलपुर तिलका मांझी चौक पे बाबा तिलका मांझी का जन्म दिवस के उपलक्ष पर 274 वर्ष पर हम लोग आज जो है पूरा धूमधाम से पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा पुरुलिया, बंगाल एवं नेपाल एवं पूरा देश के लोग हमारे यहाँ बाबा तिलका मांझी नगरी तिलका मांझी चौक पे पधारे हुए हैं। और आज हम लोगों का जो है इतना खुशी मिल रही है कि ये इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जब हम लोग भारत के जितना भी नागरिक थे और हम लोग अंग्रेज के विरुद्ध में जो गुलामी के जंजीर में पड़े हुए थे, इन्होंने अपना बिगुल फूका और हमारे आदिवासी एक संगठन तैयार किया। संगठन तैयार करके हम लोगों का एक संगठन तैयार करने का एक सकवा का छल वृक्ष लेके इन्होंने निमंत्रण दिया और भारत के तमाम आदिवासी लोग ने एकत्रित किया और अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ाई शुरू किया। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के क्लबगंज में बीते दिनों 23 जनवरी 2024 को घर से बक्सा में रखे 3,25,000 की हुई चोरी के मामले में बाबूलाल यादव पिता स्वर्गीय धनेश्वर प्रसाद यादव के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर थाना को अवगत कराया गया। वहीं आज बबलू यादव को द्वारा चोरी की आशंका पर राहुल चौधरी पिता जगदीश चौधरी के पुत्र को थाने में ले जाकर सौंपा, जिसमें बाबूलाल यादव का कहना हुआ कि चोरी हुई घटना को चोर ने स्वीकार किया है। वहीं थाना और प्रशासन से गुहार लगाकर अपनी चोरी हुए पैसे को रिफंड करवाने के लिए आग्रह किया। बाबूलाल यादव ने बताया कि उनकी बेटी के घर से नतनी की शादी के लिए 3,25,000 दिया गया था, जो मैंने अपने घर में रखा था। वहीं दूसरे दिन जमा करने बैंक जाता ही कि सुबह में देखा तो घर से संदूक बक्सा गायब होने के उपरांत बाबूलाल यादव ने थाने में मामले को दर्ज करवाया। चोरी हुई सामान से संदूक से 3,25,000 नगद तथा 200 ग्राम लगभग चांदी का सिक्का और जमीन का रसीद, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि सभी कागज शामिल थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन से बुजुर्ग को अपनी नतनी की शादी का पैसा रिफंड वापस करवा पाते हैं या नहीं। सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष प्रियंजन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी, महिला थानाध्यक्ष संगम कुमारी, SI प्रमोद कुमार थे। बैठक में थानाध्यक्ष प्रियंजन ने राजनीतिक संगठन के सभी दल के पदाधिकारी, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के लोगों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसलिए और जो आप जुलूस में डीजे नहीं ले जाना है और समय के साथ विसर्जन कीजिए, इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। पूजा को लेकर जो आज शांति समिति की मीटिंग थाना परिसर में की गई, हमारे BDO साहब, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, सभापति महोदया और थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को बता दिया गया। मोटा मोटी यही है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून सम्मत नहीं,
जैसे डीजे प्रतिबंधित है, आप जुलूस निकाल रहे हैं तो उसका प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना होगा। आपके द्वारा किसी तरह का ऐसा कार्य न किया जाए जिससे किसी भी तरह की किसी की भावना को आहत हो। अगर इस तरह की बातें होती है, पंडाल वगैरह की मजबूती, उसका सर्टिफिकेट लिया जाए, जो जो दिशा निर्देश है उन सब लोगों को अच्छे तरह बता दिया गया है ताकि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अगर इसमें किसी तरह का कोताही देखा जाता है तो फिर जो भी कानून सम्मत कठोर कार्रवाई होगी वो की जाए, उसमें किसी भी प्रकार का मरोड़ नहीं। विसर्जन के लिए क्या सर बोले थे रात में नहीं हो? विसर्जन क्या हम लोग समय निर्धारित किए हैं।